Okay, so let's start with this chapter in our history, colonialism and tribal societies. अब इससे पहले हम लोगों ने जो है खास कर colonialism का जो है rural India पर जो effect था इसको पढ़ा था and well we got to know किस तरह से changes आए British India में खास कर rural areas में फार्मर्स वगैरह पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ज़मींदारी और बाकी जो है रेत वाली सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ पर जो कॉलोनियल रूल का प्रभाव पड़ा और किस तरह से जो है जो असंतोष डिसकंटेंटमेंट जो था, कंटेंट मतलब संतोष होता है ना, तो डिसकंटेंटमेंट मतलब हो गया असंतोष, तो किस तरह से जो है असंतोष की भावना जो थी उसकी वजह से जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ट्राइब, पहली बात कि ट्राइब होता क्या है, तो ट्राइब जो है बेसिकली कह सकते हो लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक कॉमन नेम या लैंग्वेज या कल्चर के आधार पर जुड़ा होता है। ओके, सबके बीच में जो है एक किनशिप या एक जो कह सकते हो कि ब्लड टाई कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना, तो वो सभी जो है कलेक्टिवली एक ट्राइब के कहलाते हैं। उनको जो है आदिवासी भी कहा जाता है इंडिया में, जो लोग जंगलों में हजारों सालों से रह रहे हैं। और इंडिया में जो है बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लाइक खोंड, मुंडा, संथाल्स, खासीज, बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में। तो ट्राइबल लाइफ में चेंजेस क्या आए, तो नाउ सी लाइक ट्राइबल पीपल जो है दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड रिलाइड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट। जो ट्राइबल जो लोग थे वो जंगल में रहते थे, राइट, और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वहाँ पर अवेलेबल, उन्हीं पर जो है वो निर्भर रहते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए। और ट्राइबल सोसाइटी जो थी उनके अपने यूनिक कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे और बिलीफ्स थे। ट्राइबल जो थे वो अक्सर जो है दे यूज टू प्रैक्टिस यू नो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस इन अर्लियर टाइम्स। पहले जो है ट्राइबल लोग जो होते थे वो अक्सर जो है शिकार करते थे और फूड गैदरिंग, फूड जमा करते थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए। Over the centuries, many of the tribal communities integrated into the mainstream culture through peasantization. मतलब सदियों के दरमियान बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे वो हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर, जैसा कि कल्चर हम लोग के यहाँ देखने को मिलता है ना, उसमें जुड़ गए वो थ्रू पेजेंटाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो, जिसमें कि जो ट्राइबल्स हैं वो हंटर गैदरर वाला रूटीन छोड़ के जो है अब खेती बाड़ी वगैरह करेंगे, सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है नॉर्मल जो कह सकते हो कि नॉन ट्राइबल सोसाइटीज़ के संपर्क में आके वो ये चीज़ें जो है वो सीख गए हैं, तो अब जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब एक जगह पर रह के जो है खेती बाड़ी करने वाला काम शुरू कर देंगे, तो ये कहलाएगा पेजेंटाइजेशन। तो पहले जो है ट्राइबल जो थे इंडिया में, बाकी बहुत जगह पर भी ऐसा होता होगा कि वो जो है पहले हंटिंग और फूड गैदरिंग किया करते थे अपने सब्सिस्टेंस के लिए। फिर कई अगले कई सदियों में जो है धीरे धीरे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा बन गई पेजेंटाइजेशन के द्वारा। पेजेंटाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि ट्राइब्स जो हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज शुरू कर देती हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम वालों के साथ संपर्क होने की वजह से। एंड इट हैपेंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स, और ये इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में हुआ, कई हिस्सों में हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में। अब जैसे कि 19th सेंचुरी की अगर बात करो तो बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो अभी भी जंगलों में रहते थे। अब इनमें से कुछ जो थे वो हंटर गैदरर थे और दूसरे जो थे वो मवेशी वगैरह पालते थे, द अदर्स रियर्ड, रियर्ड मतलब पालना हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो पास्ट टेंस, तो अदर्स रियर्ड कैटल एंड शीप एंड लेड अ पास्टोरल लाइफ, पशुपालक वाली जो जिंदगी होती है दैट इज पास्टोरल लाइफ। नाउ वंस द पास्चर एरिया ऑफ ए प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे मूव टू ग्रीनर पास्चर्स। एक बार मान लो कि किसी जगह का जो है वो चराने वाला एरिया जिसको कहते हैं, मवेशी अगर आप पालिएगा तो मवेशी को खिलाने के लिए घास तो चाहिए ना आपको, जिसको कि पास्चर एरिया कहिएगा, तो एक बार अब लगातार मवेशी को एक जगह जो है चराने से क्या होगा कि वहाँ का घास खत्म हो गया, तो जहाँ का घास खत्म हो जाएगा फिर वहाँ से वो जो है जहाँ पर हरी हरी घास होगी या खाने का चीज़ पत्ता होगा उधर वो मूव कर जाएंगे। अब आज की बात में करो तो जैसे गड्डीस के जो ट्राइब्स होते हैं हिमाचल प्रदेश के, या फिर बाकरवाल्स जो हैं कश्मीर के, या फिर रेवाड़ीज जो हैं राजस्थान के, ये सभी पास्टोरल लाइफ ही जीते हैं, मतलब कि मवेशी वगैरह पालते हैं और उनको जो है चराते हुए जो है, या उनके लिए पास्टर्स की खोज करते हुए जो है उनका जो है लाइफ चलता रहता है। अब कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दे प्रैक्टिस झूम या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, बाय बर्निंग द वेजिटेशन ऑफ अ स्मॉल लैंड टू यूज इट फॉर कल्टिवेशन,
झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप जो है किसी एक जगह के जो है कुछ एक छोटे से एरिया के जो है पेड़ पौधों को जला देते हैं, ठीक है, खेती करने के लिए, और फिर उसके बाद जो ऐश जो होता है, राख जो होता है, दैट इज यूज एज फर्टिलाइजर. ओके, एंड स्कैटर्ड सीड्स इन द स्क्रैच्ड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग. और जो इधर उधर जो मतलब मान लो कि जमीन को हल्का हल्का जो है खरोच के उसमें जो है वो बीज वगैरह जो है छींट दिया करते थे. स्कैटर मतलब बिखेरना या बिखर जाना, और स्कैटर्ड मतलब यहाँ पर हो गया बिखेर देना. तो बीज को सीधा ऐसे ही बिखेर देते थे वो जमीन पर जो है हल्का हल्का जो है चीर फाड़ करके उसमें कर देते थे. नॉर्मल जो लोग जोतते हैं, प्लॉइंग करते हैं और उसके बाद खेती करते हैं, वैसा नहीं करते थे. और फिर उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द ट्राइब्स शिफ्टेड टू अदर एरिया फॉर कल्टीवेशन. और एक बार वहाँ की फसल कट गई तो फिर उसके बाद जो है ट्राइब जो है वो दूसरे जगह पर चला जाएगा खेती करने के लिए. फिर जो कल्टीवेटेड लैंड जो या फील्ड जो होता था इसको जो है ऐसे ही फैलो यानी कि परता छोड़ दिया जाता था कई सालों के लिए, एंड वॉज अलाउड टू रिगेन नेचुरल वेजिटेशन. और फिर समय के साथ वहाँ पर नेचुरली फिर से जो है पेड़ पौधे उग जाते थे, तो हो गया काम खत्म. तो कुछ ट्राइब्स थे जैसे कि मुंडा छोटा नागपुर के, उन्होंने जो है लेकिन सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है ना. और लेकिन फिर भी वो जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहते थे. दैट्स इंटरेस्टिंग. हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात की थी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ वगैरह के नॉन ट्राइबल सोसाइटीज़ के संपर्क में आने की वजह से जो है कह सकते हो कि बहुत सारे जो जो ट्राइब्स थे उनका पेजेंटाइजेशन हुआ, राइट, किसानीकरण हुआ उनका, राइट. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जैसे मुंडा जो छोटा नागपुर के हैं या इस तरह के और भी कुछ ट्राइब्स थे जिन्होंने कि सेटल्ड एग्रीकल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी वो जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ से दूर रहते थे. Now, though each tribal society was unique in their customs and belief, one common factor bothered them all during the 19th century, the beginning of interference from outside. ज़्यादातर जो आई मीन हर एक ट्राइबल सोसाइटी जो है वो अपने कस्टम्स में अपने बिलीफ में जो है यूनिक थी, अलग थी बिल्कुल. लेकिन एक कॉमन फैक्टर जिसने कि सबको परेशान किया 19th सेंचुरी में, और वो कॉमन फैक्टर क्या था, बाहर से उनकी जिंदगी में दखल, इंटरफेरेंस. ओके, नाउ विद द ग्रोइंग अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म द सेल्फ सफिशियंट एंड पीसफुल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स वर डिसरप्टेड एंड दे बिटरली रिजेंटेड द ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बढ़ते प्रभाव के साथ जो सेल्फ सफिशियंट जो और पीसफुल जो जिंदगी थी ट्राइबल्स की वो जो है भंग हो गई, और वो जो है इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स से जो है एकदम से क्या कहोगे मतलब बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे, उन्हें बुरा लगता था ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस ही. ओके, अब ये इंटरफेरेंस वगैरह के कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे नेटवर्क कटिंग अक्रॉस ट्राइबल लैंड्स. ब्रिटिश जो थे उनको जो है फास्टर मींस ऑफ दे रिक्वायर्ड यू नो फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू रूल ओवर द वास्ट एक्सपेंस ऑफ इट्स कॉलोनियल टेरिटरीज इन इंडिया, राइट. ब्रिटिशर्स जो थे उनको काफ़ी तेज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यातायात के साधनों की जरूरत थी, यातायात के, ताकि वो जो है जो इंडिया आई मीन जो कॉलोनियल टेरिटरीज उनकी इंडिया में है उसके विशाल क्षेत्र पर जो है वो शासन कर सके, कब्जा आई मीन उस पर अपना रूल चला सके प्रॉपरली. एंड देयरफॉर द ब्रिटिश बिल्ट रेलवेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जो है रेलवेज का निर्माण किया. देयर वॉज लार्ज स्केल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेलवे एक्सपेंशन. मतलब जो रेलवे के विस्तार का जो ये शुरुआती समय था इसमें जबरदस्त जो है डिस्ट्रक्शन हुआ जंगलों का. ओके, एंड दिस मेंट दैट लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर लैंड्स. और इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल्स जो थे उनको उनकी जमीन से जो है निकाल दिया गया. ओके, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जंगल ही कट जाएंगे अगर तो फिर जंगल कटने के बाद ट्राइबल्स क्या होंगे, उनको भी जगह से भागना पड़ेगा. Now, in order to have easy access to forest land and wood, the British government created a forest department in 1864. अब ब्रिटिशर्स को जो है सिर्फ कह सकते हो कि जंगल जो है दो चीज़ों के लिए मेनली चाहिए था. एक तो जंगल की ज़मीन उन्हें चाहिए थी, साथ ही साथ जो है जंगल में जो लकड़ियाँ हैं वो उन्हें चाहिए थी. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब इसके बाद जब उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया 1864 में, उसके बाद जो है कुछ ऐसे कायदे कानून भी बनने शुरू हो गए जो कि बेसिकली ट्राइबल वे ऑफ जो लाइफ था, आदिवासियों के जीवन का तरीका था, उसके लिए वो खतरा थे. दे थ्रेटेंड दोज ट्राइबल वे ऑफ लाइफ. क्या थे ये कानून या रूल्स एंड रेगुलेशंस? पहला बात, फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टीज. जंगलों को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया.
Small blocks of reserved forests were created in the hilly areas like Kumaon and Garhwal to furnish permanent supply of fuel and timber. छोटी छोटी जो है ब्लॉक तैयार कर दिए गए थे रिजर्व फॉरेस्ट्स के कुमाऊं या गढ़वाल वगैरह के हिली एरियाज में, जहाँ पर जहाँ से कि लगातार जो है फ्यूल और टिम्बर का जो है सप्लाई, मतलब कि लकड़ी और जलावन का सप्लाई जो है वो आता रहे. रूल्स वर फ्रेम्ड फॉर रेगुलेटिंग द चॉपिंग ऑफ ट्रीज फॉर फ्यूल एंड फॉडर बाय विलेजर्स एंड ट्राइबल पीपल. रूल्स बनाए गए जिनके द्वारा जलावन के लिए या मवेशी के चारे के लिए जो गांव वाले या ट्राइबल जो पीपल थे वो जो पेड़ वगैरह काटते थे उसको रेगुलेट करने के लिए. तो ये जितने भी मेजर्स थे इन्होंने जो है डायरेक्टली जो सेटलमेंट पैटर्न था और सर्वाइवल मोड था इंडियन ट्राइब्स का, इसको प्रभावित किया. नाउ वी विल यू नो लाइक लुक एट ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स ट्राइब्स एंड देन यू नो लाइक ट्राइबल रिवोल्ट्स इन ईस्टर्न इंडिया देन इन द नेक्स्ट सेशन. जस्ट यू नो जितना हमने अभी कवर किया है आप लोग इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा. और वेल दैट विल बी इट फॉर टुडे सेशन. बाय बाय.